डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, सभापति महोदय स्त्री के शोषण से उद्वेलित और उसके आर्थिक तथा सामाजिक हितों की रक्षा में सभी लोग आज यह मानकर चल रहे हैं कि भारतीय स्त्री के चारों ओर यदि कानून का ऊंचा घेरा डाल दिया जाए तो वह बहुत कुछ सीमा तक शोषण से मुक्त तथा सुरक्षित हो जाएगी। यकीनन कानून की सत्ता के प्रति इनकी गहरी आस्था यह संकेत देती है कि अनेक कानूनी अधिकारों से वंचित होने के कारण ही भारतीय स्त्री उत्पीड़ित और शोषित है। इनके पास उनकी बहुत सी समस्याओं का सीधा साधा समाधान है। कानून के रामबाणों का निर्माण, इन रामबाणों के हाथ में आते ही भारतीय स्त्री सबल और सक्षम हो जाएगी। कानून की शक्ति के प्रति इनका विश्वास इस तथ्य के बावजूद भी है कि अब तक जितने कानून बने हैं यथार्थ और व्यवहार के धरातल पर आमतौर से काठ की तलवार ही साबित हुए हैं। काठ की तलवार अभी तक भयभीत कर सकती है जब तक उसे दूर से चमकाया जाता है या उसे आजमाया नहीं जाता। इसके भरोसे जो स्त्री संघर्ष में विजयी होने का स्वप्न देखती है उसे यह स्वप्न बहुत महंगा पड़ता है। कानून की पुस्तकों में बताए अधिकारों को जीवन के यथार्थ में उतारने के साधन सामान्य भारतीय स्त्री के पास नहीं है। जो मुट्ठी खाली है कानून भी उस मुट्ठी के बाहर रहता है। इसके साथ समय और शिक्षा का अभाव और जुड़ जाता है। भारतीय स्त्री की लाचारी मूलतः साधनों की लाचारी है, इसलिए उसके पक्ष में बनाए गए कानून भी उसके जीवन को नई दिशा देने में तब तक असफल ही रहेंगे जब तक भारतीय स्त्री साधन संपन्न नहीं हो जाती। पाई पैराचेंज शोषण के कई मामले ऐसे भी हैं जिनसे भिड़ने का रास्ता कानून के पास भी नहीं है। अविवाहित स्त्री का परिवार द्वारा सम्मिलित शोषण इस प्रकार के शोषण का सबसे अप्रिय उदाहरण है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें शोषण पुरुष समुदाय के साथ साथ स्त्री का योगदान लगभग बराबर का ही होता है। आज़ादी के बाद के दशकों की तुलना हम आज से करें तो एक नए समाज का रूप उभर कर सामने आता है। शहरी निम्न मध्यम वर्ग और कुछ सीमा तक मध्यम वर्ग में भी शिक्षित अविवाहित स्त्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, किंतु इस वर्ग में अविवाहित स्त्रियों की संख्या बढ़ती संख्या को नारी मुक्ति के साथ जोड़ना सरासर गलत होगा। यह नारी मुक्ति का नहीं, उस पर हो रहे एक नए प्रकार के शोषण का प्रमाण है। आज इस वर्ग के माता पिता का अपनी कमाऊ बेटी के पीले हाथ करने के प्रति उत्साह घटता जा रहा है। वे उसे हर तरह से अविवाहित रहने को प्रेरित करते हैं। जहां
प्रेरणा पर्याप्त नहीं होती, वहाँ युक्तियाँ भिड़ाकर उसे अविवाहित रखा जाता है। हालांकि बहुत सी लड़कियों ने खुद अविवाहित रहना एक जीवन शैली के रूप में चुना है और अपने रहने के लिए एक अलग ठिकाना भी बनाती है। पाई पेराचेंज सभापति महोदय, इस कारण परिवार वाले उस पर हावी नहीं हो पाते। ऐसी अविवाहित स्त्री अपने आचरण की संहिता भी स्वयं गढ़ती है। यहाँ केवल उन अविवाहित स्त्रियों की ओर संकेत किया जा रहा है जिनको परिवार ने किसी स्वार्थवश किसी भी प्रकार के जीवन का चुनाव करने का अवसर नहीं दिया है। जो माँ बाप द्वारा तय किए गए जीवन को ही जीने को मजबूर हैं। बहुत से अभिभावक सामाजिक रूप से काफ़ी प्रगतिशील हो गए हैं, उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि धन कमाने वाली बेटी को पराया धन मानकर किसी पराई के साथ घर से विदा कर दिया जाए। अपनी कमाऊ बेटी को अपनी ही बनाए रखना उनका ध्येय बन गया है। इस ध्येय तक पहुंचने के लिए वे प्रशंसा बाणों का सहारा भी लेते हैं। वैसे तो सब नालायक हैं, पर बेटी बहुत जिम्मेदार है, हमें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए शादी का नाम लेते ही गुस्सा हो जाती है। हमारी बेटी तो बेटों से बढ़कर है, सारा घर उसी पर टिका है। जिम्मेदार होने का आला खिताब पाने के बाद बेटी का तन मन धन से माता पिता की सेवा में समर्पित हो जाना स्वाभाविक है। इसमें उसे नैतिक रूप से भाइयों से आगे निकल जाने का मानसिक संतोष भी मिलता है। प्रशंसात्मक ऐसे जुमले वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक स्तर का काम मिलता है। अपनी हर आज्ञा मनवाने वाले माता पिता बेटी के जीवन के अहम पर्सन पर उसकी तथाकथित इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। बेटी की ऐसी इच्छा में उन्हें विद्रोह की गंध नहीं आती, अतः ऐसे में किसी प्रतिवाद या भर्त्सना का प्रश्न भी नहीं उठता है। इस विद्रोह को जग जाहिर करके वे एक गहरे गौरव का अनुभव करते हैं। अविवाहित स्थिति को स्वीकार करके बेटी अपने शरीर के नकार को भी स्वीकार कर लेती है। पाई पेराचेंज भारतीय परंपरा में शरीर के नकार का ऊंचा स्थान है। शरीर का यही नकार संतों की सबसे बड़ी पहचान है। संतों का अनुसरण करके बेटी माँ बाप का यश बढ़ा देती है। विवाह के लिए बेटी की अनिच्छा के सार्वजनिक प्रचार के पीछे एक विशेष उद्देश्य छिपा रहता है। माता पिता का अपनी सार्वजनिक आलोचना से बचाव, उन्हें इस बात का भी पूरा भरोसा है कि उनके सार्वजनिक प्रचार के प्रतिवाद में बेटी अपने होठ नहीं खोलेगी। खुल कर शादी की इच्छा व्यक्त करना इस वर्ग की शहरी लड़कियों के लिए भी उतनी ही लज्जाजनक बात है जितनी गांवों में रहने वाली लड़कियों के लिए है। विवाहित स्त्री का गौरव यदि पतिव्रता होने में है तो अविवाहित स्त्री का परिवारवर्ता होना ठहरा दिया जाता है।
परिवारवर्ता को अपना आचरण किन नियमों के अनुसार ढालना चाहिए, ये सब माता पिता द्वारा रचित आचार संहिता में विस्तार से दर्ज कर दिया जाता है। जैसे पतिव्रता पर पुरुषों पर दृष्टि नहीं डालती है, वैसे ही परिवारवर्ता परिवार से परे पुरुषों को कोसों दूर रखने को बाध्य है। स्टॉप।